जब घर के बाहर लगी रहती थी कर्जदारों की लाइन तो मजबूरी में अमिताभ को झुकना पड़ा था इस शख्स के सामने। अमिताभ बच्चन आज यानी कि रविवार को अपना 78वां बर्थडे मना रहे हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। कक्षा 7वीं तक उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं पर BHS स्कूल में ही की थी। इसके बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि बिग बी की आगे की शिक्षा नैनीताल से हुई है। अमिताभ आज भले ही सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया जब वो कर्जों में डूब गए थे और परेशान रहने लगे थे। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। आज जब घर घर में KBC का सीजन 12 लेकर फिर से अमिताभ बच्चन से दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये KBC ही है जिसने अमिताभ बच्चन की डूबती जिंदगी को सहारा दिया था। सन 2000 की ही बात है जब अमिताभ बच्चन पूरी तरह कर्ज में डूब चुके थे। उन पर 90 करोड़ का कर्ज था। उनकी कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड बंद होने की कगार पर आ गई थी। उनके पास न खास फिल्में थी और न ही कोई दूसरा ऐसा काम जिससे वो कर्ज चुका सकते थे। उनके घर प्रतीक्षा के बाहर सुबह से लेनदारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे वापस लेने के लिए लोग उन्हें गालियां और धमकियां तक देते थे। बिग भी यही नहीं, पूरे बच्चन परिवार के लिए यह बेहद बुरा वक्त था। अमिताभ ने खुद एक बार इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उनके 44 साल के करियर का वो सबसे बुरा और भयानक वक्त था। तब बिग बी यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे और यश ने उन्हें मोहब्बतें में एक अहम रोल दिया था। मगर जितना कर्ज अमिताभ पर था उसके लिए सिर्फ मोहब्बतें में एक रोल मिलना काफी नहीं था।